बिहार की माटी के लाल ने कमाल कर दिया है। दिहाड़ी मजदूर के 17 वर्षीय बेटे को अमेरिका में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए उसने एग्जाम दिया था, जिसमें पूरी दुनिया में उसे 6ठा स्थान मिला है। अब दिहाड़ी मजदूर का बेटा अमेरिका में पढ़ाई करेगा। अगर आपके पास शिक्षा है, टैलेंट है, हुनर है, अगर आप मेहनत करते हैं कंसिस्टेंटली, और तो आप कहीं भी जा सकते हैं। स्कॉलरशिप जीतने वाले युवक का नाम प्रेम है। उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए अमेरिका के लाफायते कॉलेज में 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली। पटना से सटे फुलवारी शरीफ के एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहने वाला प्रेम घर के एक अंधेरे कमरे में लाइट जलाकर पढ़ाई करता था। जो आखिरी में आया था वो था लाफायत कॉलेज, जिसमें मुझे पूरी 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहा हूँ। प्रेम के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उनकी माता का देहांत 12 साल पहले लकवा मारे जाने की वजह से हो गया था। दिहाड़ी मजदूर होने के बावजूद भी पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाया। बहुत दुख काटे हमने, कैसे दुख सुख काट के पढ़ाए लिखाए, अब बनेगा जितने ना अब करेंगे, अब ये सेवा करेगा अब हमको कुछ। प्रेम की सफलता को सुनते ही परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। प्रेम की बड़ी बहन और पिताजी भी काफी खुश दिख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे समुदाय से, हमारे परिवार से बच्चा है जो पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। परिजनों ने कहा कि ये हमारे समाज नहीं पूरे देश को गर्व करने की बात है। तो निश्चित तौर पर बिहार और देश, मैं समझता हूँ बिहार क्या देश में पहला अवसर है जो एक महादलित परिवार का लड़का को इतना बड़ा मौका मिला है। प्रेम की सफलता पर परिजन बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि लोगों को भी पढ़ना चाहिए और परिश्रम कर अपनी सफलता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम कर कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती।